एसपी में इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट नहीं पूछेगी कि ये पैसा कहां से आया। एजेंसी की मुखालफत करती है, उनको भी पता लगे कि यहां पे हमारा मुआशरा इतना को बेईमान नहीं है। ये इसी तरीके के काम हो रहे थे, इसको एमनेस्टी दे दो, इससे पूछो नहीं, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, यहाँ से पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, पाकिस्तानी दुनिया में दूसरे नंबर पे दुबई के प्रॉपर्टियां ले रहे हैं। मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ को हटाकर पीडीएम में इनका कौन सा अहम मेंबर नहीं था? नियाल हाशमी साहब तो पहले भी कभी वजीर नहीं रहे आइडियाज के, बच्चों अगर इसाक डारी है तो उन्होंने क्यों नहीं उनको वो फॉर्मूला दिया पीडीएम को 16 महीने में कि वो जो है कुछ अपनी इज्जत ही बचा लेते। ये सामान होनी चाहिए, ये पॉलिटिकल कैपिटल कैसे लूज हो गया इनका? इन्होंने तो इतनी बड़ी खिदमत कर दी, ये मतलब इनको नैरेटिव बनाना भी नहीं आता। अगर इन्होंने इतना बड़ा काम किया था तो फिर पॉलिटिकल कैपिटल तो जब आप आगे साहब बहुत आपका पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहना चाहिए। आप कहते हैं हमने अपनी सियासत दांव पे लगा दी, आवाम को तो आपको भर भर कर झोली भर के वोट देने चाहिए ना। हमने तो कहा दांव पे लगा, जब दांव पे कोई चीज लगाया जाता है तो आप कभी लूज करते कभी जीत जाते। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बीच में है, फाते हुए हमने कि आपके 14 MNAs थे कराची से पिछले दौर में, आपने शहर कायद के लिए कुछ भी नहीं किया। 3.5 साल को हटा के आप कराची की शक्ल देख लेकर न्यूयॉर्क और पेरिस बन गया था तो फिर तो मैं आपके प्रोग्राम में अभी माफी मांग लिया। बिलावल साहब ने एक नया नाम भी उन्होंने कॉइन किया है आज, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को उन्होंने महंगाई लीग का नाम दिया है। मुजम्मिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इंडस्ट्री और फैक्ट्री चलाने वाले से नहीं पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आया। इस पर पीटीआई के मुजम्मिल असलम ने कहा कि नून लीग की इन्हीं पॉलिसियों की वजह से मुल्क से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर जाता रहा और ये खुद उसमें शामिल होकर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर भेजते रहे। पीटीआई के मुजम्मिल असलम ने लाइव शो में नून लीगी निहाल हाशमी के सामने नवाज शरीफ की ऐसी बेइज्जती की कि मजा आ गया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। साहब अभी नवाज शरीफ साहब ने एक और नई पॉलिसी दी है इन्वेस्टर्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन में या सनतकारी की तरफ रागिब करने के लिए, सुनिएगा मियां साहब की का जो आइडिया है इसमें क्या है और आपके हुकूमत से वो बड़ा मुख्तलिफ है वो लोग कहते हैं, क्योंकि आप लोग तो सनतकारों के पीछे ही पड़ गए थे हाथ धोके और नैब और अकाउंटेबिलिटी आपने एक नए मतलब कट्टे खोल लिए थे उनके खिलाफ, सुनिएगा नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट नहीं पूछेगी कि ये पैसा कहां से आया। एजेंसी की मुखालफत करती है, उनको भी पता लगे कि यहां पे हमारा मुआशरा इतना को बेईमान नहीं है कि वो अपना जो है वो इसको बुरा समझता है। ये अच्छी बात है कि उन मुल्कों ने भी ये काम किए हुए हैं, इसी से गुजरे हैं वो, और जब हमारी बारी आ रही तो हम पे पाबंदियां लग। जी मुजम्मिल साहब इसका जवाब फरमाइए, ये कैसा आपको आइडिया लगा? पूछेंगे नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट से कि पैसा कहां से लाए और अकाउंटेबिलिटी और इन चीजों से कोई डरने की जरूरत नहीं होगी जो आपके दौरे हुकूमत में तलवारें लटकती थी उनपे? देखिए सबसे पहले तो मोना मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब अभी तक 1990 में गुम है और उनको एहसास ही नहीं हो रहा कि ये 2023 है। ये जो है पिछली दफा भी इन्होंने जो इस तरह के कारनामे किए थे उसकी वजह से 2018 जून में जब इमरान खान को कमान मिली थी उससे पहले हम FATF की ग्रे लिस्ट पे चले गए थे। ये इसी तरीके के काम हो रहे थे, इसको एमनेस्टी दे दो, इससे पूछो नहीं, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, यहाँ से पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, पाकिस्तानी दुनिया में दूसरे नंबर पे दुबई पे प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, यूके में जो है प्रॉपर्टियां बन रही हैं। तो ये जो अभी 190 मिलियन पाउंड वाला जो किस्सा है ये किस दौर में पैसे गए हैं? ये 2019 में तो वापस आए हैं, 2019 से पहले इनके दौर में मुल्क से गए हैं। तो ये इनका काम है पुराना कि इस तरह के लोगों को फैसिलिटेट करना। और दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारा परेशान था इनके रिकॉर्ड के लिए और इन्होंने ही इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था 2021 में 11.5% सनत की पैदावार थी और 2022 में जिसमें हमें हुकूमत खत्म हुई थी 11.7%। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 2 साल मुसलसल डबल डिजिट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ पीटीआई के दौर में आई। और दूसरी बात ये आपको बता दूं कि इससे पहले इस तरह की अगर ग्रोथ देखी गई थी ना तो वो अयूब के एरा में देखी गई थी या वो और वो थे अमेरिका के इतिहादी सीको, फिर देखी गई थी जिया साहब के दौर में जब वो थे अफगान वॉर के पार्टनर अमेरिका के साथ और फिर मुशरफ साहब के दौर में देखी गई थी जब वो वॉर ऑन टेरर के पार्टनर थे। और इस वक्त जब इमरान की हुकूमत थी, खान साहब की हुकूमत इमरान खान साहब की, तो उस वक्त तो अमेरिका ने अपने आप को रिट्रीव कर लिया था पाकिस्तान पे, मतलब कोई इमदाद बंद कर दी थी, सारा कुछ कर दिया था, उसके बावजूद ये ग्रोथ दी। और फिर आती है पीडीएम बहादुर ने 11.7% से सीधा उसको -8% पे ले गए सनअती पैदावार। अब उनके दाएं हाथ पे बैठे हुए थे उनके भाईजान छोटे भाई और फिर उनके साथ उनके 4 दफा के वजीरे खजाना बैठे हुए थे। मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ को हटाकर पीडीएम में इनका कौन सा अहम मेंबर नहीं था? नियाल हाशमी साहब तो पहले भी कभी वजीर नहीं रहे, ठीक है ना, अब निहाल हाशमी साहब वजीर बनेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्या पता इनके नए आइडियाज के बच्चों। अगर इसाक डारी है तो उन्होंने क्यों नहीं उनको वो फॉर्मूला दिया पीडीएम को 16 महीने में कि वो जो है कुछ अपनी इज्जत ही बचा लेते।
इज्जत को उन्होंने जो अमलियामेट कर दिया, साथ पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर आप दूसरी बात, मैंने उनसे सवाल पूछा ना, वो कहते हैं कि ये सारा आपका किया धरा था जो उन्होंने भुगता, और वो IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी, आपने उनके साथ मिस कमिटमेंट्स की, तो वो आपको पता है, वो कहते हैं हमने तो पॉलिटिकल कैपिटल अपना दांव पे लगा दिया ताकि आपका जो किया धरा था मुआशी, जो आपने जिसे कहते हैं लुटिया डुबोई थी, वो बचा सकें किसी तरह। वो तो बार बार यही जवाब देते हैं। मुझे एक बात बताएं बना, आप अगर फॉर सम रीजन आपकी अगर कोई एक आप मुसीबत में परेशानी में हो और कोई अगर आपके काम आके उस परेशानी से निकाल दे तो आप जिंदगी भर उसकी एहसानमंद रहेंगे अगर, ठीक है ना। तो अगर इन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो पूरी कौम तो इनकी एहसानमंद होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल कैपिटल कैसे लूज हो गया इनका, इन्होंने तो इतनी बड़ी खिदमत कर दी। हाँ। ये मतलब इनको नैरेटिव बनाना भी नहीं आता। अगर इन्होंने इतना बड़ा काम किया था तो फिर पॉलिटिकल कैपिटल तो उठाइए, पॉलिटिकल कैपिटल फिर लूज क्यों हो गया निहाल साहब? ये तो फिर सवाल ठीक है, आवाम को तो आपका पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहना चाहिए। आप कहते हैं हमने अपनी सियासत दांव पे लगा दी, आवाम को तो आपको भर भर कर झोली भर के वोट देने चाहिए ना फिर, अगर आपने वाकईतन बचाया है। और इकोनॉमिक सर्वे का भी उन्होंने हवाला दिया जिसमें ग्रोथ को एक्नॉलेज किया गया था आपके साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से। मुना, मेरे ख्याल से आप और मुजम्मिल साहब मेरी बात को समझ नहीं सके या मुजम्मिल साहब समझना नहीं चाहते। हमने कहा लूज नहीं हुआ, हमने कहा हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को भी दांव पे लगा दिया। हमने लूज कब कहा? हमने तो कहा दांव पे लगा। जब दांव पे कोई चीज लगाया जाता है तो आप कभी लूज करते कभी जीत जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते, हम फाते हुए हैं। हमने लूज नहीं किया, हमने जी हम स्टेक होल्डर थे, वी वर द स्टेक होल्डर ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेक में हमें कामयाबी हुई, हमें नुकसान नहीं हुआ है। और जो बात मेरे भाई कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा लोन लेने वाले खान साहब, और वो बता दें एक ईंट अगर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में लगाई, वो जो कुछ बो के गए थे। देखिए आप अगर गंदम और चावल और चना और मिर्ची और प्याज की भी अगर आप बुआई करते हैं, जो लोग खेतों को जानते हैं, देहातों को जानते हैं, तो कोई लेता है 3 महीना, कोई लेता है 4 महीना, कोई 5 महीना तक बास फसलें चली जाती हैं। और अगर 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 कपास लगा और सुंडी बारिश हो जाए तो सुंडी आ जाती है। तो इन्होंने जो बुआई की थी उसकी हमने कटाई करके फिर खेत को साफ किया और फिर हमने बुआई किया। और आज पाकिस्तान में माशाल्लाह पेट्रोल की कीमत नीचे आ रही, आज डॉलर नीचे आ रहा, आज चीज़ें सस्ती हैं, इसमें वक्त लगता है। और आइंदा भी कोई कम से कम 5 से 10 साल लगेगा हमें 2013 और 2017 वाले फेज में आने के लिए। बनाए देखिए हमारे खिलाफ तो झूठे केस बने। हाँ, अब तो स्टेयरिंग सीट पे आप है ना, अब तो फैसला आप करेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आप भुगतवाएंगे? आज नहीं, देखिए हाँ नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम भुगतना पड़ेगा। जो आपने बोया है, आपने हमें अलहदा किया था ना अपने आप से, ठीक है, आपने कहा ये लोग सियासी नहीं है, छोड़ डाकू, ये माफी। देखें अभी एक नया अलायंस बना है PMLN का, MQM का कराची में, वो ये भी तो तनकीद करते हैं आप पे कि आपके 14 MNAs थे कराची से पिछले दौर में, आपने शहर कायद के लिए कुछ भी नहीं किया। और वो कहते हैं कि ये जो है अब ये लोग पूर करेंगे, MQM पूर करेगी, PMLN पूर करेगी आपकी वजह से, आपको लोगों ने बड़ा ट्रस्ट किया लेकिन आपने वफा नहीं की। देखिए पाकिस्तान की उम्र कितनी है, 76 साल है। PTI ने 3.5 साल गुजारे पाकिस्तान की उसमें हुक्मरानी में, वो भी सिंध हुकूमत हमारे पास नहीं थी ना मकामी हुकूमत थी। उस 76 साल में 3.5 साल को हटा के आप कराची की शक्ल देख लिया, न्यूयॉर्क और पेरिस बन गया था तो फिर तो मैं आपके प्रोग्राम में अभी माफी मांग लिया। मैं खुद आपसे अगर ये बात मैं पहले जान पाऊं, क्योंकि बिलावल साहब ने एक नया नाम भी उन्होंने क्वाइन किया है आज, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को उन्होंने महंगाई लीग का नाम दिया है, और ये बड़ी एक अहम बात है जो उन्होंने की है। लेकिन दूसरी तरफ मियां साहब तो ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुत नित नए आइडियाज़ हैं मईशत को बेहतर बनाने के लिए। आपके क्रिटिक्स सर ये कहते हैं कि जिस वक्त में मईशत बेहतर थी यानी 2013 ऑनवर्ड्स, वो इसकी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बैन अलावामी तर्ज पर आपको पता है जो तेल की कीमतें थी, खाम तेल की, वो रिकॉर्ड लो सतह पर थी। इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई भी नहीं थी, इन्फ्लेशन भी कम थी, इन्फ्लेशन कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट भी कम था। तो गोया आपके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि उसमें आपकी हुकूमत का कोई खास उसमें अमल दखल नहीं था। मोना, आप तारीख की स्टूडेंट हैं और एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा कि 1990 में पाकिस्तान की मईशत अबतर हाल में थी और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ख़राब था और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो था। तो उस वक्त जब मोहम्मद वाशिफ साहब ने बागडोर संभाला तो उन्होंने एक नए आइडियाज़ फ्लोट किए, और वो नए आइडियाज़ क्या थे? ग्रीन चैनल था, फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट था, उस आइडियाज़ में सी पोर्ट था, ग्वादर हो या कराची एयरपोर्ट हो या लाहौर हो या इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो, मोटरवे था, स्मेडा था, स्मॉल एंड मीडियम जो इन्वेस्टमेंट है और जो लोन है उसका था, फिर येलो कैप था, टूरिज्म, ठीक है। ये तो नवाज शरीफ जब भी आए वो नए आइडियाज़ के साथ लेकर इतना तेज़ी से हमारी मईशत उभरी कि उस वक्त नरसिम्हा राव ने और मनमोहन सिंह ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से ये दरख्वास्त की कि हम वो फार्मूला जानना चाहते हैं जिससे आपकी मईशत, उस वक्त हमारी रिजर्व करीबन 20 अरब के आगे पीछे था और इंडिया के पास $1 अरब से भी कम रिजर्व था, और वो उस वक्त बड़े बुरे हालात में थे।
तो नवाज शरीफ जब भी आते हैं एक नए फार्मूले के साथ, एक नए आइडियाज के साथ, नए एवेन्यूज के, फिर आप उनके दूसरे एतवार को देख लें 97 ऑनवर्ड, तो एक पाकिस्तान को दिफाई तौर पे वो मजबूत करने ले गए, वो मिसाइल प्रोग्राम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ गए, उसको स्ट्रेंथन किया उन्होंने JF-17 थंडर की तरफ, और फिर वो टनल्स हो, मोटरवेज हो, तो एक नए एतवार की तरफ लेके जाते हैं। और जब 2013 में भी आए तो उन्होंने फिर एक नया एवेन्यू खोला, वो नया एवेन्यू था CPAC एवेन्यू, वो नया एवेन्यू था नौजवानों के हाथ में कलम देना, वो नया एवेन्यू था, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी हमारे खत्ते में, उसको बेहतर करना, वो मैं कराची में रहता हूँ तो वो नया एवेन्यू था। कराची में लोग घर से सुबह निकलते थे, शाम को वापसी क्या नहीं पता होता था, आप भी शहर से हैं। हाँ, तो ऐसे एक, एक सपोर्ट दिया ताजिरों को, ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन से, कॉमन मैन को, कि हमने आपने बरमला जवाब दिया, आपने कहा 2013 नहीं 1990 में भी नित नए आइडियाज लेके आए थे मियां साहब, लेकिन आपके साबिक इत्तेहादी फिर आपको महंगाई लीक का नाम क्यों दे रहे हैं, और वो इसी बुनियाद पर दे रहे हैं कि 16 माह की जो आपकी पिछली हुकूमत थी, जो मियां साहब की, नवाज शरीफ साहब के ही छोटे भाई की थी, उसमें तो महंगाई के मतलब जितने नित नए आइडियाज है उस वक्त नित नए रिकॉर्ड्स बन रहे थे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, 2008 में जब पाकिस्तान में अंधेरा छा गया था, लोड शेडिंग 24 घंटे और कहीं कहीं पे 18 घंटे तक हो गया था, जब रोजगार खत्म हो गए थे, लोग अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को शट डाउन कर रहे थे, जब लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल जीरो पे आ गया था, जब हर तरफ अफरा तफरी थी, दहशतगर्दी थी, वो वक्त महंगाई अपने उरूज पे था, क्या याद नहीं बिलावल साहब को, हमारे मुखालफिन को? और फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि जब कोई हुकूमत होती है उसका वजीर आजम तो ओवरऑल निगरान होता है, मगर हर वजीर अपने महकमे का वजीर आजम होता है, तो बताना पसंद करेंगे कि 16 महीने में हमने तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल दिया, 16 महीने में हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया, मगर क्या बताना पसंद करेंगे बिलावल साहब कि वो 16 महीने इंजॉय करते रहे, खारजा अपने आप को ओरिएंटेशन करवाते रहे, अपना अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करते रहे, क्या इस दौरान सैर सपाटे के अलावा ही पाकिस्तान कोई नया ट्रेड पॉलिसी, कोई नई ट्रीटी कहीं पर साइन हुई, कोई नया एग्रीमेंट हुआ, कोई नया मोटरवे रोडवे, कोई नया किसी पड़ोसी मुल्क के साथ कोई GST+ टाइप की कोई चीज़ करके आए? नहीं करके आए, तो वो एक सैर सपाटे पे थे, वो अभी सियासत में और उसकी पेचीदगी में बलागत के उरूज पे नहीं पहुंच सके। असलम ने बिल्कुल ठीक कहा कि PDM में नवाज शरीफ के अलावा इनके सारे मेम्बरान शामिल थे, 16 माह में इन्होंने अवाम की तारीखी दुर्गत बनाई, और सिर्फ अपने केस माफ़ कराए, अवाम के लिए इन्होंने एक टके का काम नहीं किया। अब इनके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि ये इक्तदार में आकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, जबकि अवाम की खिदमत करने वाले को इन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ है। नाज़रीन, आपका इस हवाले से क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।